Welcome to Glam and Shine with Rashmi Bedi. We have a very special guest today who is very, very famous comedian, and he's one of the best comedian in India. And मुझे भी लगा, मैंने कहा ये उधर ही एंजॉय करने लगे, मैं इधर बैठा हूँ. देखिए कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है और लोग अपनी मुस्कुराहट कहीं खो बैठे हैं, तो आप जब हमारे आप कॉमेडियंस आते हैं हमारे शो पे तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने व्यूअर्स के चेहरे पे कुछ स्माइल वापस ला सकें, थोड़ा स्ट्रेस भी कर सकें. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो. थैंक एंड यू जी, थैंक यू. सुनने और देखने वाले सभी दर्शकों को भी जसवंत सिंह राठौर का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. और आपका भी थैंक यू सो मच रश्मि जी कि आपने रूबरू किया अमेरिकन इंडियन ऑडियंस के आगे. थैंक यू जसवंत जी, इट्स ऑनर टू हैव यू ऑन आवर शो. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे महान कलाकार हमारे शो में आते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती कि वी हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी कि हम अपने व्यूअर्स को आपसे बात करने का मौका दे सकते हैं, आपके जर्नी जान सकते हैं एंड हाउ यू हैव कम टू दिस सक्सेस, यू नो हाउ यू हैव अचीव दिस सक्सेस, तो हम लोग आपकी सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकें अपने व्यूअर्स के साथ. तो जैसे कि मैंने देखा आपका शो कि मुझे तो लग रहा है सुनील शेट्टी जी आपके बहुत बड़े फैन होंगे, आप उनके फैन होंगे. ऑफ कोर्स इट गोज बोथ वेज, बट वो भी आपके बहुत बड़े फैन लग रहे हैं मुझे वो देख के. क्या आपने सुपर एक्टिंग की उनकी. नहीं, वो जो आपने स्टार्टिंग में ये वीडियो चलाया और जी उनकी बात की है, जिनकी सुनील शेट्टी और इंडस्ट्री उनको अन्ना बुलाती है, अन्ना मतलब साउथ में बोलते बड़े भाई को, जी जी तो मेरा बड़ा भाई कोई नहीं है, मेरे डैडी सात भाई हैं, मेरे डैडी बड़े भाई थे, लेकिन मैं अपने घर से बड़ा भाई हूँ, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है. अच्छा जी तो वो एक तरह कहते हैं कि वही भाई नहीं होता जो आपकी साथ पैदा हुआ है, कई बार रिश्ते प्यार के दिलों के भी होते हैं, रूहानी रिश्ते भी होते हैं, ऑफ कोर्स तो अ उनके साथ ब्रदर मेरा प्लस वो अनदर कनेक्शन मदर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. ऑफ वो कोर्स मैं उनके साथ मेरा वो कनेक्शन है, वो नहीं होते तो मैं शायद आपको इंटरव्यू नहीं दे रहा होता एज एन आर्टिस्ट. वो उनका बहुत बड़ा हाथ है, उनसे इंस्पायर होके मैं स्कूल टाइम से स्टार्ट किया था, बाल सभा में गाना, मिमिक्री करना, ये क्रेडिट उनको ही जाता है. अरे वाह. सो कौन सी उनकी पहली मूवी आपने देखी जिससे आप इंस्पायर्ड हुए एंड यू थॉट कि आई शुड फॉलो हिम, या आप हमेशा से कॉमेडियन बनना चाहते थे आप? नहीं, मुझे आज भी एक्चुअली कई बार कह देते हैं, क्योंकि मुझे आई लव टू पीपल लाव, मुझे अच्छा लगता है कोई मतलब चेहरे पे हंसी आती है, जैसे कि जी आपने बोला कि आजकल थोड़ी स्ट्रेस वाले दिन चल रहे हैं, हाँ जी तो ऐसे में मुझे लगता है किसी प्यासे को पानी पिलाना और किसी को हंसाना तो ये बराबरी होता है ना, बिल्कुल. तो लाफ्टर इज द इसलिए बेस्ट मुझे मेडिसिन, ऑफ कोर्स यस. जी, तो सो डेट्स व्हाई आई लव माय जॉब. तो बाकी आपने जो फिल्म की बात की, तो मैंने, मुझे याद है मेरे मामा यहाँ पे ननिहाल है मेरा, तो जी वहां पर वीसीआर लगते थे मोहल्लों में, जी किराए पे पूरी रात वीसीआर देखते थे, हाँ शायद जी आपने भी देखा हो. जी बिल्कुल तो उसमें मैंने एक मर्द फिल्म देखी थी, छोटा सा था मैं, मर्द अमिताभ बच्चन साहब की, जी जी तो मेरे वो दिलो दिमाग पे छप गई, दादाजी की आवाज, अमिताभ बच्चन के गाने, तो मुझे लगा कि मुझे बड़ा होके तांगे, राजू तांगे वाला बनना है. तो मैं फैंटास्टिक. घर में ये भी कहता था नानी को कि मैं तांगा लूंगा घोड़े पे, ऐसे ऐसे, तो इतना मैं इंस्पायर हो गया उससे. तो मुझे याद है मैं स्कूल में बाल सभा में उसकी स्टोरी सुनाता था, अमिताभ बच्चन के डायलॉग ओके सुनाता था, तो सब खुश होते थे कि यार ये कैसे ना इतने लंबे लंबे डायलॉग गाने गा रहा है. तो मुझे लगता है कि ये जुनून वहीं से स्टार्ट हुआ. तो जब मैं स्कूल में था तो सुनील शेट्टी साहब मैंने देखे, तो किसी ने ऐसे, किसी के घर, हमारे घर टीवी नहीं था, तो सामने पड़ोस में फिल्म देख रहे थे, फिल्मों का बड़ा कीड़ा था मुझे, फिल्में देखने का, जी फिल्में सुनी बहुत है मैंने, कई बार वो दरवाजा बंद कर लेते थे, अंदर नहीं आने देते थे, तो मैं बाहर स्टोरी सुनता था खिड़की पे खड़ा होके, तो माय गॉड, फिल्में मैंने सुनी हुई है, ज्यादा देखी कम हुई है. ओह माय गॉड. तो सुनील शेट्टी साहब की फिल्म थी अंत, हाँ अंत फिल्म जी मैंने देखी थी, तो 1994 की बात है, जी 93 94, तो तब वो जिनके घर देख रहे थे, मेरे घर का नाम है पिंटू, अच्छा तो जी ऐसे देख रहा था, तो वो बोले यार पिंटू शेम तेरी शक्ल, तो मैं, मुझे लगा वो दिन, और मुझे लगा अच्छा, तो मैंने सोच लिया कि ये मैं हूँ या मेरा बड़ा भाई है. वो तो वैसे ही मैंने कपड़े पहने, वैसे मैं जिम, देसी जिम बना के एक्सरसाइज करने लग गया है ओके, ना, व्हाट वैसे चश्मा लगाता था मैं यहाँ पे, एन 15 रुपए का खरीद के इंस्पिरेशन, मेरे से लेके आया फैंटास्टिक. था, तो ये करते करते वो हीरोइज्म चिपक गया मेरे साथ. ऑसम. तो इस तरह से आपकी शुरुआत हुई टुवर्ड्स कॉमेडी की तरफ, राइट? कॉमेडी की, बस लोग हंसते थे तो कॉमेडी, तो मिमिक्री करते थे पहले, मिमिक्री का शौक बन गया, तो मैं दूरदर्शन पे उन दिनों आता था, जावेद जाफरी का शो ट्रक जी दिना दिन, अच्छा जी
मैं वो मिमिक्री किया करते थे शाहरुख अमरीश पुरी ऐसे ऐसे ना, तो मैं भी करता था। तो मेरे दोस्त बोलते थे यार जो एक्टर तुम जिनकी वॉइसेस निकालते हो जावेद आफरीन नहीं निकाल पाता। तो मेरा हौसला अच्छा, बढ़ा, मैंने अरे वाह, लिस्ट बनाई हुई थी उन दिनों ऐसे, प्राण, पृथ्वीराज कपूर, अक्षय खन्ना, हाँ नसीरुद्दीन शाह। तो पहले मिमिक्री करता था, गाने गाता था। तो धीरे धीरे फिर जब रस्ते कहते हैं, जब आपकी नियत किसी शिद्दत से आप करते हो बिल्कुल, काम को, तो रस्ते फिर खुद ब खुद सारी खुलते चले कायनात भी जाते। आपका साथ देती, बिल्कुल ठीक है। तो फिर कॉलेज में यूथ फेस्टिवल्स में बहुत पार्टिसिपेट किया, काफी प्राइज जीते, नाम हो गया कॉलेजेस में। तो फिर मुझे स्कॉलरशिप मिलने लग गई कॉलेजेस में भी कि हमारे कॉलेज को रिप्रेजेंट करो यूनिवर्सिटी को यूथ फेस्टिवल में, तो हम तुम्हें फ्री हॉस्टल खाना देंगे। तो अरे मेरे वाह, पास तो वैसे पैसे नहीं होते थे पढ़ने के, मैंने कहा चलो आम के आम गुठलियों के दाम। तो एक तीर से दो ही मैंने तीन चार शिकार किए, एक तीर से खाना भी खाया, रहा भी, अपना एंटरटेन भी किया और फैन मेल भी बढ़ाई। बहुत बढ़िया। तो ये करते करते फिर मैं चाचा रौनकी राम, मेरे उस्ताद हैं जलंधर दूरदर्शन पे, बहुत पुराने सीनियर आर्टिस्ट हैं हमारे पंजाब के। तो सबसे पहले पंजाबी स्टैंड अप कॉमेडी उन्होंने शुरू की थी, तो उनको मैंने अपना गुरु बनाया, उनके साथ स्टेज शोज किए पूरे इंडिया भर में, 4-5 साल उनकी शागिर्दी की। तो फिर ऐसे धीरे धीरे स्कूल, मोहल्ला, फिर कॉलेज, फिर स्टेज, करते करते यहाँ पे बैठे हैं जी। आई नो, वैसे भी मैंने देखा पंजाबियों में हंसी मजाक बहुत चलता है और बहुत दिलेरी होती है उनमें, जैसे आप देखो हैं, जी कपिल जी हैं, जी सुदेश जी हैं, ये सब लाइक दे आर अमेजिंग। देखो जी, या वो कहते हैं ना, कहते या तो पंजाबी गाते हैं तो या कनाडा जाते हैं, जो रह जाते हैं वो कॉमेडी शो में आते हैं। नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं एक बार ये जानती हूँ कि जो कॉमेडियंस हैं, दे आर रियली जीनियस, दे आर नहीं, अमेजिंग, वेरी इंटेलिजेंट पीपल, और कॉमेडी करना सबके बस की बात नहीं है, और बहुत तो रेयर थैंक अच्छे कॉमेडियंस हैं, और उनमें से आपका एक नाम आता है, एंड वी आर सो प्राउड टू हैव यू, इट्स यू। मैं अमेजिंग। सर भी कोशिश करता हूँ, मैं जिनके आपने नाम लिए मैं तो उनका फैन हूँ, मैं सीखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जॉनी लीवर साहब से मेरा बड़ा प्यार है, बॉम्बे में जब रहते हैं तो वो अक्सर एक बात करते हैं, बोलते हैं कि जैसे एक होता है कलाकार, जी एक्टर, गाने वाला, उसके ऊपर होता है कारीगर। जी कारीगर को आप कोई चीज बताओ कि मुझे ये चाहिए, वो 2 स्टेप आपको आगे बढ़ा के देगा, बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन जो कॉमेडियन होते हैं वो होते हैं जादूगर, उनको खुद नहीं पता आज क्या करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं मानती हूँ इस तो बात को। ये बात लेकिन उनपे बिल्कुल फिट बैठती है। मैं तो आई एम जस्ट स्टूडेंट, तो मैं ऐसे शागिर्दी करता हूँ, अच्छी संगत करता हूँ, जहाँ पे कुछ भी मिल जाए ले लो, है ना, सीखने को कायनात पड़ी रियली है, इम्प्रेस सीखते टू रहना सी चाहिए। और सो ग्राउंडेड, इतने आपने अवार्ड जीते हैं, एंड आप हंसते हंसांदे रहो में भी 2006 में यू वर द विनर, जी एंड देन यू जी विन द जी लाफ्टेस्ट 2006 एनिम। में जी, वो मेरा फर्स्ट प्लेटफॉर्म था जी। वो कॉलेज पढ़ते थे, तब तक लाइफ का ये नहीं पता था कि करना क्या है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग होते हैं उनको कोई ना ही तो कोई गाइड करने वाला होता है, आधी जिंदगी तो यही समझने में लग जाती है करना क्या है। तो मेरे पिताजी थे सरदार उधम सिंह, तो स्वर्गवास हो गया उनका लास्ट ईयर, वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे दुकान पे काम करवाते थे मुझसे, हलवाई की दुकान पे। तो तब मुझे गुस्सा चढ़ता था कि मैं आर्टिस्ट आदमी हूँ, मुझे ये कहाँ पे खड़ा कर देते हैं। हाँ तो फिर बाद में पता चला कि सबसे बड़ा उस्ताद आपका बाप होता है, माँ बाप, चाहे अनपढ़ भी हो तो वो सबसे बड़े आपके गुरु होते हैं। बिल्कुल तो मान, मेरे पिताजी ने मुझे बहुत जिंदगी में बातें सिखाई जो उन्होंने दुकान पे समझाई थी, आज मेरी कलाकारी लाइफ में काम आ रही है वो बातें। बिल्कुल, दैट इज सो ट्रू। तो फिर उन्हीं से आशीर्वाद लेके वो मैं गया था। तो मैं पहले आर्मी सोचता था, पुलिस में जाऊंगा या आर्मी में जाऊंगा या दुकान बड़ी करूंगा, हलवाई की बड़ी, तो ये सब कंफ्यूजन थी। लेकिन जब मेरे डैडी ने मुझे पहली बार देखा तो उन्होंने कहा हौसला बढ़ा, नहीं तू जा। उनको लगा कि हमारे खानदान का पहला बंदा है यार जो कॉलेज गया, यहाँ तक गया, तो देखें। तो मैं इसीलिए गया था वो शो में कि चलो एक आध एंट्री हो जाएगी, उस फुटेज को दिखा के मोहल्ले में धाक जमाया करेंगे, है ना। तो और नहीं तो कीड़े आर्मी में गाने नहीं वाने गा बिल्कुल, लिया वो तो कहते करता। हैं ना पंजाबियों दी शान वखरी, ऑफ कोर्स वो तो आपको है कि मैं अपना बना के रहूंगा शो रील, ऑफ कोर्स यू स्टार्टेड विद फन, और कहां से आपका नाम कहां पहुंच गया देखिए। बस ये सब मेरा आशीर्वाद गुरुओं को, माता पिता को है, और जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, मेरा होम टाउन लुधियाना, ये गली मोहल्ले, इनको क्रेडिट जाता है, यहीं से सीखा है सब कुछ जो भी कर रहे हैं। और वो हंसदे सांदेरों की जो बात की थी, वो मेरा फर्स्ट प्लेटफॉर्म था, तो जिसमें दिग्गज आज के
कह सकते हैं कि नॉट इंडिया, पूरी दुनिया के जिसमें नाम आता है, कपिल शर्मा, चंदन प्रभाकर, है ना, ये सब हम इकट्ठे ही थे, लेकिन ये मेरे सीनियर थे, तो मैं उसको गलती से जीत गया था, विन कर गया था, आई तो कैन अंडरस्टैंड, उसको कॉम्पिटिशन तो बहुत टफ होगा, बिल्कुल ठीक है. बहुत, देखिए इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ मैंने कम्पीट किया, तो बहुत कुछ सीखा उनसे मैंने, लेकिन वो बहुत, कहते हैं दिन होता है, सुर लगने का टाइम होता है, जरूरी नहीं, कंपटीशन से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, तो लेकिन वो उनके पास वो चीज थी, तो मेरे जो धीरे धीरे मैं सीख रहा हूं उनसे, तो मैं वैसे भी जूनियर था, तो वो उसमें मैं जीत गया, तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैंने ये काम करना है, वो जीतने के बाद ये पीछे ट्रॉफी पड़ी है, देखिए ये वाली, वाह, ये पहली ट्रॉफी मिली थी, तो जब ये मिली ना, उन दिनों रियलिटी शो चल रहे थे, तो किसी को करोड़ रुपए अनाउंस के 50 लाख ऐसे मिलता था, हाँ तो जी. मुझे ये सिर्फ ये मिली थी, ये लकड़ी की है, ओह फ्रेम भी माय मैंने करवाया, गॉड. तो हमने अखंड पाठ करवाया खुशी में, मेरे डैडी ने लंगर लाया, तो सबको लगा कि लड़के को कोठी मिली है चंडीगढ़ में, बोल रहे अभी पैसे मिले हैं, मेरी मम्मी बोली कि ये क्या बोले जा रहे हैं, जो घर में थोड़े बहुत पैसे वो ना चोरी करवा दे तो फिर मैंने मम्मी को समझाया था, मैंने कहा मम्मी आवाम जो होती है ना, जनता, वो भगवान का रूप होती है, कोई आज की डेट में किसी के लिए अच्छा नहीं बोलता, अगर ये तुम्हारे बेटे के लिए अच्छा बोल रहे हैं, तो ये कोठी आनी है, वो पैसे आने हैं, ये तो उस समय कुछ नहीं था, कोठी उस समय कुछ नहीं था हमारे पास तब, लेकिन उसके बाद तो देखो जुबान जो भगवान वो लोगों के मुंह से बुलवाई, तो सब आ गया, तो शादी बिल्कुल. भी कर ली उस पैसे से, सब हो गया भगवान अरे की दया से। वाह, फैंटास्टिक. तो आपके फेवरेट एक्टर की हमें कुछ मिमिक्री करके दिखाइए. कुमार फेवरेट एक्टर ग्रेवस के मेरे, लिए. हाँ जी सबसे पहले तो मैं दारा सिंह, जो अरिस्तमैन में पंजाब के, जी तो उनसे मैं कई बार उनसे सपने में बात करता हूँ, वो आज हमारी साथ नहीं है, हाँ तो जी आजकल रामायण भी चल रही है दूरदर्शन पे, हाँ जी आप देखिए जिन दिनों रामायण आती थी, बचपन में सुनते थे कि जब रामायण आती थी गली मोहल्ले सुनसान हो जाया करते थे, बिल्कुल. गलियां सुन, आज देखो गलियां सुनसान है, रामायण फिर आ गई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक तो कह कोई रहे ना हैं. कोई प्रकृति कनेक्शन संदेश देती है छुपा बिल्कुल हुआ, तो बिल्कुल. मैं दारा सिंह से बात कर रहा था, तो मैं एकदम जाने की फिराक में था कि चलो घूम के आए, इतने में आकाशवाणी हुई दारा जी की, भाई आ रे पुत्र, तुम जिस दिशा में अपना प्रस्थान ले जाने का विचार कर रहे हो, वहां पर पहले ही कुछ सजग प्रहरी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित खड़े हैं, इसीलिए विकट परिस्थिति में संयम का परिचय दो और कुटिया में ही विश्राम करो। मैंने कहा दादाजी मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, वो तो ठीक है उल्लू के पट्ठे, तेरा मुख लंगोट कहाँ है, मैंने कहा मुख लंगोट क्या, उल्लू के पट्ठे, मास्क, मैं कहा सर मास्क तो बाहर जरूर पड़ती है, मैं तो घर के आसपास ही हूँ, आप ये बताइए दादाजी रामायण देख रहे हैं आजकल, रामायण में क्या शिक्षा लेनी चाहिए, भाई सब कुछ भूल जाओ, एक करेक्टर पे कंसंट्रेट करो, मैं कहा जी किसके, कुंभकर्ण के, मैं कहा कुंभकर्ण कैसे, उसकी तरह खा पियो और सोए रहो, लेटे रहो, बाहर ना जाओ, सेफ इंडिया, स्टे होम, जय श्री राम। इट्स अ लवली मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स एक्चुअली, यू नो, इट्स दे शुड फॉलो दिस. और प्लीज मैं पूछना चाहती हूँ, कॉमेडी जब करते हैं तो हंसी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मतलब खुद को हंसी नहीं आने लगे, इट इज सो फनी जो भी आपको एक्ट करते हैं आप लोग, तो कैसे कंट्रोल कर पाते हैं हंसना? ये वैसे ही जैसे कैमरा अगर खुद ही हिलता रहेगा फोटो कैसे खींचेगा बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट. शायद इसी को शायद कलाकारी कहते हैं, तो पहले मैं भी जब छोटा तो देखता था, मुझे लगता है कि हिप्नोटाइज करना, जैसे मुझे ना, मैं रास्ते पे जैसे मम्मी ने दही लेने भेजती थी, मुझे भी दही लेके आ, तो मुझे जो हिप्नोटाइज करते थे लोग शुरू से बड़े पसंद थे, चाहे वो फिल्म हो मदारी जो तमाशा दिखाते थे, तो मैं भूल जाता था सब कुछ, मोबाइल तो थे नहीं उस समय, मैं घर वालों ने कुछ सामान लेने भेजना, तो मैं वहां खड़ा होकर उनको एंजॉय करने लगता था कि यार एक बंदा 20-25 लोगों को कैसे एंटरटेन कर रहा है ना, बिल्कुल. वो हिजड़े आते थे शादियों में बाद बच्चे की बधाई लेने, तो उनको देखने पूरा मोहल्ला आता था, वो मुझे बड़े अच्छे लगते थे कि यार अपने आप में फिल्म है ये, तो ये चीजें मैं शुरू से मतलब इनसे बड़ा मुतासर रहा हूँ कि ये जी क्या चीज है, क्योंकि कोई थिएटर तो किया नहीं, कोई प्रोफेशनल जी ट्रेनिंग तो ली नहीं, लेकिन ये कह सकता हूँ तो कि जिंदगी को बड़ी बारीकी से यू आर अ इंजॉय किया ग्रेट है, देखा है, ऑब्जर्वर. ऑब्जर्व या किया है, ऑब्जर्वेशन जो है सबके पास होती है, किसी ना किसी चीज से ईश्वर ने सबको नवाजा होता है, तो वो मेरे कॉलेज में एक प्रोफेसर ने बात कही थी कि 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आदमी के, एक दिन जब वो जब उसका जन्म होता है, एक दिन वो जब उसे पता चलता है मेरा जन्म क्यों हुआ, क्यों हुआ?
बहुत तो ये अच्छी दूसरी बात है। लाइन कई बार पता नहीं चलती, ऐसी लाइफ निकल जाती है। मुझे बड़ी जल्दी पता चल गया था कि मैं दूसरों को एंटरटेन करने के लिए पैदा हुआ हूँ। नहीं, दैट्स सो नाइस। और आपका सफर बहुत अच्छा रहा, जैसे आप शोज में आए और उसके बाद आपने मूवीज की तरफ भी काफी अपना रुख किया, एंड यू हैव डन अमेजिंग जॉब देयर। सो आपने जी उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए, आपकी मूवीज आपने कौन कौन सी करी हैं? जी मैं एक्चुअली मैं बताऊं, मैं फिल्में ही मेरी गुरु हैं, फिल्मों से ही मैंने सीखा है सब कुछ। ये जो कॉमेडी जो भी है, ये तो जस्ट कह लो थिएटर है, मैं एक तरह थिएटर लेता हूँ। और फिल्मों से ही इम्प्रेस होकर मैं फिल्मों में ही काम करना चाहता था। जी तो पंजाबी फिल्में मैंने 7 पंजाबी फिल्में की हुई अभी तक बड़े बड़े स्टार्स के साथ। व्यास 70 किलोमीटर, आशिकी नॉट अलाउड, सिक्का, मुख्तियार चड्ढा, जट जुगाड़ी हुंदे ने, 15 लाख का दुआ हुआ है ना, वाह, दिलजीत, रविंदर गरेवाल, हरीश वर्मा, बीनू ढिल्लों, जितने भी बड़े स्टार है सबके साथ किया है। हिंदी फिल्में मेरी आ चुकी हैं जाने भी क्यों तैयारो, कबीर बेदी के साथ, हाँ जी, वाह तो 2 रिलीज होने वाली है, विक्टिम और एक रोल साउंड कैमरा एक्शन, ये भी अनरिलीज्ड है। तो बाकी खुद को एज एन लाइफ जो मैं शो करता हूँ उसमें मैं बड़ा अपने आप को कंफर्ट महसूस करता हूँ। जब हजारों की तादाद में लोग बैठे होते हैं तो उसमें कोई रीटेक नहीं है ना, बिल्कुल। तो भी जो भी आपके सामने है उसी समय स्पॉन्टेनियस बोलना, एंटरटेन करना, कोई भी पता नहीं किस ढंग से आदमी क्या सोच का अंदर बैठा है। तो लेकिन मुझे बहुत चैलेंजिंग लगता है, मजा आता है उसको, वो आपका मुझे बड़ा, फेवरेट लाइव टॉपिक शो क्या एक है जिसके फिल्म। बारे में आप कॉमेडी करना हमेशा पसंद करते हैं? कोई ऐसा जी स्पेशल टॉपिक जिसके बारे में आपको बोलना बहुत अच्छा लगता है? टॉपिक देखिए, ये जग जाहिर बात है कि जैसे पंजाबियों का आपने नाम लिया, पूरी दुनिया में आप कहीं चले जाओ, आज कोरोना ने पूरी दुनिया में दहशत बना रखी है, ठीक है, लेकिन इंडिया में भी है, लेकिन पंजाब में मैं रह रहा हूँ 15-20 दिन से। मैंने कहा पंजाबियों की फितरत है, दिलेरी है, ये दुख की घड़ी को भी सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल पूरी दुनिया घर में दुखी हुई है, इनको डंडे मार मार के बताना पड़ रहा है घर जाओ। तो पंजाबियों का हमेशा मुझे फ्लेवर बड़ा अच्छा लगता है। देखो पंजाबियों का गाना, खाना और हंसाना जग पूरी दुनिया में है, जग जाहिर है, ठीक है। आपका तो कहीं हंसाना भी तो चला हमने जाऊं, देखा है, आपका गाना भी सुनना चाहेंगे हम। जी, वो देखिए आप पंजाबी हूं तो मैं वो गाना तो एक के साथ एक फ्री होता, वही वाली बात है। तो पंजाबियों की बात कहीं कर लो लोग कनेक्ट करते हैं। यूपी में मैं शो करने जाऊं तो अगर पंजाब की बात करूं तो लोग एंजॉय करते हैं उसको। हाँ जी, तो जी गाना सुनाइए, 4 लाइनें, हमारे व्यूअर्स वेट कर अच्छा रहे हैं। अच्छा क्या आप क्या कोशिश करता हूँ जी, पंजाबी सुनेंगे हिंदी? जो भी आपको पसंद है। पसंद तो मुझे एक्चुअली, चलो पंजाब म्यूजिक की तो पंजाबी कोई भाषा नहीं होती, तो बिल्कुल, एक दो अपना बुल्ले शाह की काफी है, आवो नहीं सही और देवो नहीं बधाई है ना, तो वो मैं 2 लाइनें सुनाता हूँ। मुझे सूफी बिल्कुल गाने बड़े पसंद है। बिल्कुल। आवो नी सयो रल देवो नी वदाई, हो नी मैं वर पाया हाय राजा माही। आवो नी सयो सयो नी, आवो नी सयो नी, अज दा रोज मुबारक चढ़े रांझा साडे हए वेड़े वड़िया, हथ खूंडी मोडे कंबल तरिया, चाकां वाली शक्ल बनाई, नी मैं वर पाया हाय राजा माही। क्या बात है, थैंक बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, ब्यूटीफुल। तो आपके अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं जसवंत जी? और आप जी, अभी हमारा एक शो चल रहा है, सब टीवी पे आता है, अपना न्यूज आएगा, तो गैग्स होते हैं छोटे छोटे शोज के बीच में आते हैं, वो अभी शूट करके आए हैं। एक अभी चल रहा है जी पंजाबी पे, पंजाबियों के लिए, जैसे जस्ट लाइक कपिल शर्मा का पंजाबी रीमेक है, वैसा ही है टॉक शो में, उसका नाम है हंसदिया दे घर वसदे, अच्छा जी, ऑसम। गुरप्रीत गुग्गी उनके होस्ट हैं, तो मैं उसको लीड करता हूँ, थिएटर वाला ऐसा थिएटर मंडली है वैसा।
तो अभी एक दो फिल्मों की बात, उसी की मीटिंग के लिए मैं आया था। एक अपना शो, टॉक शो की तैयारी चल रही है, तो बस ये सब दिन निकल जाए तो फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं ग्रेट, दोबारा से लुकिंग एक फॉरवर्ड इंजीनियर। एंड हम चाहते हैं जी 2020 शुड बी रॉकिंग ईयर्स, और बहुत कुछ हम आपके प्रोजेक्ट्स देखें इस साल. जी जी और कहते हैं वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना, वर्क फ्रॉम होम वैसे भी कह रहे हैं, तो इसी चक्कर में कई लोगों की इज्जत भी चली गई। बोले क्यों, कहते घर वालों को पता चल गया ऑफिस में भी कुछ नहीं करता ये। और हम जो आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट तो क्रिएटिव होते हैं है ना, कलाकार, उनको अगर कहलाना है तो फिर 24 घंटे अच्छा हो या बुरा चलता ही रहना चाहिए, तो दिमाग तो चलता ही रहता है। बिल्कुल तो आजकल टीवी शूटिंग्स बंद है, फिल्में बंद है और घर में ही रहना चाहिए। लेकिन जी. इसी चक्कर में मैं, मेरे भाई ने कि हमारा यूट्यूब पे चैनल खोला है फिल्मी सिंह, अच्छा जी. तो उससे हम अपनी क्रिएटिविटी के कीड़े निकाल रहे हैं आजकल, तो तो उससे। मैं चाहूंगी. हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे. जी मैं, आपने वीसीआर की बात की ना, तो हमने एक फिल्म बनाई है, शॉर्ट फिल्म है 45 मिनट की। जी तो उस 1992 वीसीआर वाले दिन, अच्छा जी, तो ऑसम. उसको बड़ा बड़ा पसंद किया लोगों ने, एकदम आप रिलेट करेंगे अगर आपने वीसीआर वाले दिन देखे हैं। ठीक बिल्कुल है, तो उसपे है, वो चैनल पे डाली है 2 हफ्ते पहले। अभी कल एक वीडियो हम डालेंगे वो, अपना फिल्म स्टार घरों में कैसे अपना टाइम पास करते हैं, फिल्म स्टार है ना, ऑसम. तो न्यूज चैनल के अंदर। तो वो ये सब चल रहा है, जब तक नहीं है हम तो डटे हुए हैं। फौजी बोले जंग लगे ना लगे, फौजी परेड, पेट अंदर छाती बाहर होनी चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. आपको देख के सब में जोश आ गया होगा. सब व्यूअर्स आज बहुत खुश होंगे कि बी पॉजिटिव एंड मेंटेन योर एनर्जी. दैट इज अमेजिंग. नहीं बिल्कुल जी, खुश रहना चाहिए। मुझे लगता है कि देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अच्छा बुरा टाइम आपके हाथ में नहीं होता, वो ईश्वर के हाथ में है। और हमारे पंजाब के किसी बड़े विद्वान ने कहा है, जब अंधेरा घना हो जाए समझो सवेरा दूर नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छे तो ख्याल. मैं इसको पॉजिटिव में लेता हूँ। आप सोचिए कि हर आदमी अपने अपने लाइफ में सोचता है कि ये करना है ये करना है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं यार जहर खाने का टाइम नहीं, ये भी सुना होगा आपको। हाँ जी. लेकिन देखिए, भगवान ने आपको टाइम ही टाइम दे दिया, आप चाहे जहर खाओ चाहे नूडल बना के खाओ घर में। ठीक है, योर्स. कितनी देर हो गई, माँ के साथ नहीं कोई बैठा था, भाई भाई के साथ नहीं बैठा जी था, जी जी पति पत्नी नहीं बैठे थे, और इन 21-22 दिनों में जो पति पत्नी साथ में रह गए, वही जन्म जन्म के साथी, बाकी बहन है। ये एक्चुअल में परीक्षा की घड़ी है सब पति पत्नियों की, ये लॉकडाउन में। तो सत्ययुग आ गया. दैट मींस सत्युग आ गया है एंड वी हैव टू बी सतयुग, पॉजिटिव. सतयुग में बोलते हैं ना, और धर्म जैसे दारा जी के स्टाइल में बोला ना, जी कहने दारा जी के बोला कि सतयुग है। बोले कैसे, कहते देखो ना भाई, ना कोई चोरी ना चुगली ना किसी कोई बुराई, सब मर्द बैठे हैं संग अपनी लुगाई। वाह, फैंटास्टिक. तो अच्छा है, हर टाइम को एंजॉय करना जी चाहिए। और उनके लिए भी क्लैपिंग करना चाहता हूँ, हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन, हमारे डॉक्टर नर्सेस, जो अपनी जान जोखिम पे डाल के सेवा कर रहे हैं ना। बिल्कुल तो ये बिल्कुल बहुत बड़ी मुसीबत की घड़ी है, लेकिन कहते हैं जीत जाएंगे हम अगर तू संग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं है आप. ना। बस ये तो तो ऑफकोर्स हर नागरिक का फर्ज है, स्टे कनेक्टेड, अपना ऑनलाइन नेटवर्किंग बनाइए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है. बस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्टेंस मेंटेन रखिए, दूर रहिए लेकिन दिलों से दूर मत होइए, बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने. और है ना। बिफोर वी एंड द शो, मैं चाहूंगी कुछ सुनील शेट्टी जी का थोड़ा सा हमें आप दो लाइनों में कुछ सुनाइए. अच्छा, सुनील सुनील शेट्टी साहब, जैसे सुनील शेट्टी साहब का ये मेरा आशीर्वाद होता है, ये उनका गिफ्ट किया हुआ है चश्मा, बिल्कुल ओके. तो उनका स्टाइल भी है, वो उनका स्टाइल है, ट्रेडमार्क है ये ना हाँ चश्मा, जी, हाँ जो जी. अपने स्टाइल में बोलते हैं। आप अब सोचिए, जसवंत थोड़ी देर के लिए चला गया, सुनील शेट्टी आ गए, उनसे बिल्कुल बातचीत करो। बिल्कुल. हाँ जी, सुनील शेट्टी जी, हाय कैसे हैं हाय आप? रश्मि, कैसी हैं आप? बहुत अच्छा लगा आपको देख के, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मुझे जसवंत ने जब कहा कि रश्मि बेदी आपका इंटरव्यू करना चाहती है, जब मैंने ध्यान से देखा आपका पीछे जो कपबोर्ड, ऐसा लग रहा है आप टैरट का रीडर भी हैं। अच्छा. आपका हाईलाइट ऐसा लग रहा है कि ज्योतिष विद्या भी आप जानती हैं। लेकिन ध्यान से, क्योंकि इन लॉकडाउन में जिन पंडितों ने शादी का शुभ मुहूर्त निकाला था, लोग उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, ध्यान से बच के रहिए। बट आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट, आई थिंक सो आई शुड स्टार्ट दैट, अगर आप फीडबैक दे देखो रहे हैं तो. मैंने 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 एकदम से, देखो एकदम से मेरे दिमाग में आया, क्योंकि आपका फोटो ना स्काई पे छोटा हो गया साइड पे, तो थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा था कि जैसे आप वही वास्तु वास्तु का ही अपना दुकान खोल के बैठे। थैंक यू सो मच जसवंत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एंड बिफोर वी एंड द शो,
एनी मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स फ्रॉम यू? थैंक यू थैंक यू। मैसेज देखिए, वो कहते हैं कि कृपया ज्ञान ना बांटे, यहाँ सब ज्ञानी है। जी ज्ञान तो मैसेज तो व्हाट्सएप पे बड़े आ जाते हैं, फेसबुक पे बड़े आते हैं। बात जी कहते हैं हर आदमी के पास उतना ज्ञान है जिससे उसकी जिंदगी अच्छी हो सकती है, बात अमल में लाने की है बिल्कुल बिल्कुल ठीक ना। है बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जड़ों से जुड़े रहिए और इस रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन कीजिए, पॉजिटिव रहिए, सकारात्मकता फैलाइए, पॉजिटिविटी फैलाइए सब तरफ, है ना। और आपका भी थैंक यू, आपकी थैंक यू स्टूडियो सब क्रू मेंबर्स का। और जल्दी आपको मैं ये ईश्वर से अरदास दुआ करता हूँ कि जल्दी वहां आपके शहर में आके लाइव आपको हंसाऊं, बिल्कुल एंटरटेन करूं, बिल्कुल और ये बिल्कुल सब अच्छे दिन हो जाए फटाफट, है हाँ ना, जी थैंक तो सब अच्छा होगा। यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो इट वाज ग्रेट टू टॉक टू यू एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू 2020 यूएसए यू मस्ट कम थैंक यू सो जी, मच थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू सो मच।